रविवार का दिन था, दिल्ली की ट्रेन में बैठना जरूरी था। बीबी गुलाबो दिल्ली में रहती थी, क्या करूं, बोले आज ही लेने जाऊंगा। और आज नहीं गया तो फिर एक हफ्ते नहीं जा, सूरत में किसको फुर्सत रखी है, संडे के संडे सब होता है। आजकल तो जमाना बदल गया, हर चीज संडे के संडे होती है, प्रवचन। एक जगह में गया, बोले महाराज प्रवचन संडे के संडे करना। मैंने कहा क्यों, बोले पब्लिक फ्री रहती है। अब तो ये जमाना हो गया कि आदमी भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान उठाना तो संडे को उठाना, क्योंकि मेरी सब यात्रा में ज्यादा लोग रहेंगे, पैदा करना तो संडे को करना। मैंने कहा चल मैं मान लूंगा, प्रवचन संडे को कर दूंगा, लेकिन एक बात नहीं मानूंगा। बोले क्या, तू ये मत बोलना कि आहार भी संडे के संडे। आहार तो भाई रोज चाहिए अपने को, विचार करना, सोचना है। उसने कहा लेने तो आज ही जाऊंगा। अब हुआ क्या, इतनी भीड़ उस दिन निर्मल जी, इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़ कि पैर रखने को जगह नहीं। अब वो मुल्ला नसरुद्दीन भी कम नहीं था कोई, जाऊंगा तो संजू का दोस्त होगा, जाऊंगा तो आज ही जाऊंगा, नहीं तो मैं जाने वाला नहीं हूं। क्या किया उसने, प्लेटफार्म से निकला, सूरत के एक मेला लगा हुआ था, उसने कहा बैठना तो मुझे आज ही है। वहां गया, एक चाबी भरने वाला सांप ले आया, और सांप ला करके एक बोगी में छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा सब चिल्लाए सांप 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 सांप, कहते हैं 2 मिनट के अंदर डिब्बा खाली, सब अपनी अपनी अटैची बोरिया बिस्तर लेके नीचे, इस डिब्बे में सांप है, इस डिब्बे में सांप है। सवेरे 8 बजे तहलका मच गया प्लेटफार्म पर, मुल्ला गया, उसने कहा अब सीट मिली है अपने को, वरना मिलने वाली। गया अपना अटैची लगाई, एक बर्थ पे लेट गया आराम से, 8 बजे लेटा, 3 बजे नींद खुली। ट्रेन में बैठते ही बहुत से लोगों को नींद आ जाती है, 3 बजे नींद खुली। उसने बाहर झांका, वहां से एक आदमी निकला, बाबूजी चाय ले लो, चाय चाय। मुल्ला ने कहा इधर आ, स्टेशन कौन सा आ गया ये, टीवल कितने बज रहे, बोले 3, स्टेशन कौन सा है, बोले सूरत। अरे बोले सूरत स्टेशन, यार सूरत से तो ये गाड़ी 8:30 बजे चली जाती, अभी तक गई नहीं। बोले ऐसा है मुल्ला, गाड़ी तो चली गई, इसमें सांप घुसा था तो डिब्बा काट दिया है, ध्यान रखना। दूसरों को छलोगे तो खुद भी छले जाओगे।